खासियत ये है, ये महान इसलिए है बिकॉज यहाँ पे जो शिवलिंग रखा हुआ है वो नेचुरल पहाड़ों से निकला था। If you wanna go, then I'll be so lonely. If you leave him, baby, let me down slowly. Usud bud khoye hai khoye maine, haan jaan gawaye gawaye maine, haan tujhko basaya hai dhadkan. So hey guys, welcome to another video. Guys, आज संडे फिर से मजेदार होने वाला है बिकॉज इस संडे यानी आज मैं जा रहा हूँ सोलन। तो आपको भी पता है यहाँ पे जितनी गर्मी पड़ रही है तो सोलन हमारे पास एक बेस्ट चॉइस है। तो मिलते हैं सोलन, घूमेंगे फिरेंगे मजे करेंगे, तो मिलते हैं रोड पर। तो गाइस अब हम पहुँच चुके हैं सोलन और हम यहाँ घूमेंगे चार मोस्ट पीसफुल एंड ब्यूटीफुल प्लेसेस। सबसे पहले हम जाएंगे जटोली शिव मंदिर, उसके बाद जाएंगे या तो चुलुनी मंदिर या हेरिटेज पार्क, और लास्ट में हम जाएंगे यहाँ से 10-11 किलोमीटर दूर है टिक्कर, वहाँ पर वाटरफॉल है बहुत अच्छा, बहुत अच्छी प्लेस है, वहाँ जाएँगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जा रहे हैं जटोली शिव मंदिर जो एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर है, तो वहाँ यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वहाँ जा रहे हैं। तो आप राइड को एंजॉय करो और हम मिलते हैं मंदिर। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं जटोली शिव मंदिर जो एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर है। ये सीढ़ियों से पता चल रहा है, बहुत ज़्यादा सीढ़ियां बनी हुई हैं, और आपको दिखाता हूं मैं आगे मंदिर का व्यू। ये देखिए गाइस, बहुत ही अच्छा व्यू है, और हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। और गाइस इस मंदिर की खासियत ये है, ये महान इसलिए है बिकॉज यहाँ पे जो शिवलिंग रखा हुआ है वो नेचुरल पहाड़ों से निकला था, ठीक है, बना बनाया ही निकला था, और उसको जिसने निकाला था उनकी यहाँ पे समाधि बनी हुई है यहाँ इसमें। तो मैं यहाँ भी जाके आया हूँ अभी। गाइस अब हमें सोलनी माता मंदिर, एक्चुअली ये सोलन का नाम ही इस सोलिनी माता के नाम से पड़ा है। सोलनी माता एक्चुअली दुर्गा माता जी का ही एक अवतार है, मुझे कभी पता चला है, जो सोलन का नाम सोलनी माता के नाम से ही पड़ा है, तो ऐसा यहाँ का ये सीन है। तो गाइस अब हम जाके आए सोलनी टेंपल, अब मैं जा रहा हूँ सोलन की सबसे पुरानी मिठाई की दुकान यानी चमेला हलवाई की दुकान। एक्चुअली वो मेरे दोस्त आकाश उर्फ अक्की के पापा हैं जिनकी वो मिठाई की दुकान है, तो मैं जा रहा हूँ उनके पास और वहाँ जाके कुछ स्नैक वगैरह करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो गाइस अभी हम पहुँचे हैं चमेला राम हलवाई की दुकान पर, जो हमारा दोस्त है आकाश उनकी दुकान है। ये हैं आकाश के पापा, यहाँ पहुँचे हम। तो गाइस अभी मैं बैठा हूँ आकाश सैनी के पापा के पास उनकी शॉप पे। एक्चुअली मैं सुबह पराठे खा के आया था, मेरा बिल्कुल खाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी अंकल ने धक्के से
मेरे को रसमलाई भी खिला दी, चाय के साथ समोसा भी खिला दिया। सच ए नाइस पर्सन, बहुत अच्छे लगे। और गाइस ये सोलन की सबसे पुरानी दुकान है मिठाई वाली, यहाँ एक बार जरूर विजिट करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस अब हम जा रहे हैं हेरिटेज पार्क, लेकिन अभी सूत्रों से पता चला है कि हेरिटेज पार्क से पहले एक वाटरफॉल है, तो हम मौका नहीं छोड़ेंगे, पहले जाएंगे वाटरफॉल, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हेरिटेज पार्क। तो हम पहुंच चुके हैं वाटरफॉल के बिल्कुल नज़दीक, वहाँ पे गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे मिट्टी बहुत है, कोई मैटर नहीं करता क्योंकि वाटरफॉल का मज़ा ही कुछ अलग है। तो मिलते हैं वाटरफॉल। तो गाइस हम वाटरफॉल के नज़दीक पहुंच चुके हैं, आवाज़ आने लगी है पानी की, और एक हमारे साथ एक बहुत ही प्यारा सा दोस्त जा रहा है हमारे साथ। क्या नाम है भाई इसका? इंसी। ये देखो इंसी भी हमारे साथ जा रहा है वाटरफॉल पे। ये नहाएगा? चलो बढ़िया है भाई, रास्ता पूरा ट्रैकिंग वाला है। भाई वाटर पार्क पहुंच चुके हैं और अब चलते हैं ठंडे ठंडे पानी से नहाने, बहुत ही मजा आने वाला है। तो गाइस अब हमने पूरी मस्ती कर ली वाटरफॉल पे, बहुत मजा आया नहाने में, तो काफी देर होगी यहाँ पे, अब चलते हैं हेरिटेज पार्क, नेशनल हेरिटेज पार्क। अब हम पहुँच चुके हैं नेशनल हेरिटेज पार्क। बालों का हाल कुछ ऐसा हो रखा है बिकॉज नहाने के बाद ड्रायर की फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, तो कुछ ऐसा सीन है। अब हम पहुँच गए हैं नेशनल हेरिटेज पार्क और आपको अंदर जा के दिखाता हूँ क्या सीन है। गाइस यहाँ कुछ ऐसा सीन है, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है यहाँ से।
गाइस अभी मैं अंदर से बाहर आया हूँ और मेरे को अंदर जाके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। वाकई शांतिमय जगह थी वहाँ पे। एक्चुअली क्या था, वहाँ माता दुर्गा जी के जितने भी अवतार हैं सभी के वहाँ पे अवतार बने हुए थे और वो वन पीस मार्बल के बने हुए थे जो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। अंदर एक्चुअली फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने चोरी से कुछ कैप्चर किया है तो आपको मैं दिखाता हूँ। और गाइस एक बात, मैंने पूरी लाइफ में इतना गोल्ड नहीं देखा जितना मैंने अंदर जाके देखा। आपको गोल्ड के बहुत ही ज़्यादा स्टैचू देखने को मिलेंगे, यहाँ से 100+ देखने को मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा देखने में अच्छे लग रहे थे। तो मेरी सुजेशन है जो भी यहाँ सोलन में आए यहाँ पे बहुत ज़रूर विजिट करें, बहुत अच्छा व्यू है। तो दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस सब कुछ घूमने के बाद आखिर जाना पड़ेगा घर, तो चलते हैं वे टू चंडीगढ़। तो गाइस अभी हम खा रहे हैं आंटी से कुलचा। हमने सोचा सोलन से ऐसे नहीं जाएंगे, कुछ तो खा के जाएंगे। और भाई से पिया गन्ने का जूस, मज़ेदार। तो गाइस पहाड़ों की मैगी कैसे मिस कर सकते हैं।